शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर के छात्र बालको प्रबंधन की कार्यशैली और संयंत्र की विशालता से काफी प्रभावित हुए। बालको संयंत्र के अवलोकन पर आए छात्र छात्राओं और उनके व्याख्याताओं ने बालको संयंत्र के विभिन्न हिस्सों की कार्यप्रणाली को देखा और दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने बालको के विशेषज्ञों द्वारा किए गए सहयोग की भी सराहना की। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर के छात्रों ने बालको संयंत्र का अवलोकन किया और उसकी कार्यप्रणाली के संबंध में बालको के विशेषज्ञों से विस्तार पूर्वक चर्चा की। इससे छात्रों को अल्युमिनियम उत्पादन के संबंध में काफी कुछ देखने और सीखने का करीब से मौका मिला। इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं से संबंधित छात्र छात्राओं के लिए एक और जहां बालको संयंत्र में हितक जारी रहने वाली उत्पादन प्रक्रिया कौतूहल बनी रही, वहीं संयंत्र की विशालता उनके लिए किसी अजूबे से कम न थी। कॉलेज की प्रयोगशालाओं में किए जाने वाले परीक्षणों और संयंत्र में वास्तविक उत्पादन प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन उन्हें रोमांचित कर रहा था। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर के छात्र बालको संयंत्र के भ्रमण से काफी प्रभावित हुए। उनका कहना था कि यहाँ की कार्यप्रणाली और एक इकाई से दूसरी इकाई के बीच की कार्यप्रणाली का आपसी तालमेल उच्च कोटि का है। अनेक छात्रों ने बालको के साथ काम करने की भी इच्छा जताई। उनका मानना है कि बालको संयंत्र इंजीनियरिंग कौशल की एक अद्भुत मिसाल है। मैं बिलासपुर में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं और अपन यहां एक दिन का इंडस्ट्रियल विजिट पे आए हैं और यहां आकर हमने देखा कि किस तरह का अपन यहाँ सिर्फ थ्योरी नॉलेज लेते हैं, लेकिन यहाँ हमको आकर पता चला प्रैक्टिकली देखने को मिला। बिलासपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ और यहाँ हमने आज एक दिन का विजिटिंग दिया हुआ है। हम यहाँ का बहुत अच्छा लगा, हमारा एल्युमिनियम वगैरह जो बन रहा है यहाँ, जो विदेशों तक सप्लाई होता है, सब कुछ यहाँ देखने को प्रैक्टिकली मौका मिला। हमने सब थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है, लेकिन आज हमको नॉलेज हुआ प्रैक्टिकली, बहुत अच्छा लगा हमें और अपेक्षा करते हैं कि यहाँ हमारा दोबारा आना होगा। थैंक्स। दुबे फ्रॉम जीसी कॉलेज बिलासपुर, फिफ्थ सेमेस्टर पी फाइनल ईयर। हम लोग यहाँ पे बिलास स्टील प्लांट बालको का प्लांट देखने आए हैं। बेसिकली वी आर सीइंग द रोलिंग प्रोसेस, वी आर सीइंग द कास्टिंग प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस द मेटल इज डायरेक्ट मेक बाय मेकिंग इन फॉर्म ऑफ शीट्स बाय द वेरियस प्रोसेस। यहाँ सर आके बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी जॉब लग जाए। टेक्निकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर से बिलासपुर गवर्नमेंट इंजीनियर कॉलेज से, और यहाँ पर हम विजिट पे आए थे। एम ई एस हमारे यहाँ कॉलेज में है, उसके कोरबा बालको एन टी पी सी कोरबा बालको प्लांट में, और यहाँ पे आके विजिट आई है। और यहाँ पे आके हमने सारी मिल को देखा और सारे प्लांट को, सारी शॉप को आके जस्ट एक दिन की विजिट है। और यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक्सपीरियंस है। आगे हमको इस फील्ड में काम करना है, इस फील्ड में एक्सपीरियंस के तौर पे आज पहला दिन, पहली विजिट हम लोगों की, और अच्छा लग रहा है। हमारा कैरियर है, यही भविष्य फील्ड है, इसी पर रहना हम लोगों को, अच्छा लगा, काफ़ी एक्सपीरियंस। थैंक यू। मैं बीस थर्ड ईयर मैकेनिकल ब्रांच से हूँ। यहाँ विजिटिंग में आया कॉलेज की तरफ से, जो हम लोग के कॉलेज में जो एम ई एस का ग्रुप है वहाँ से। हम लोग हमेशा किताबों से पढ़ा था, मतलब हमें थ्योरेटिकल जानकारी लेते थे कि प्लांट में अगर वर्क कैसे होता है, लेकिन यहाँ पर हमने जाना कि प्रैक्टिकली जानकारी ली कि कैसे चीज़ बनता है, मोल्ट एंड एनी अदर समथिंग प्रोसेस। सर ये हम लोग के लिए अच्छा है, हम लोग के लिए अच्छा नहीं हो रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ दोबारा वापस आएँ। थैंक यू सर।
मैं सुमित स्वर्णकार जी इसी बिलासपुर से आया हूँ और हमारे जो शिक्षक हैं गुरुजन हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर थर्ड ईयर से आए मैकेनिकल फैकल्टी से और सर के सहयोग से और एक काफ़ी अच्छा यहाँ पर हम लोग को देखने मिला कि कैसे हम लोग जो पढ़ते हैं अब तक जिसको पुस्तक में पढ़ते हुए आ रहे थे और लाइवली इसको देखने से पता लगता है कि जो हम लोग पुस्तक से पढ़ते हैं उससे भी कितनी एक एडवांस चीज़ें यहाँ पर है कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी से यहाँ पर चीज़ें बनती हैं और किस तरह से वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग कैसे उसको मेल्ट किया जाता है वहाँ से लेकर वो मार्केट में किस तरह से पहुँचती है ये लोगों को देखने में आसान लगता है कि चीज़ें जो है फिनिश प्रोडक्ट दिख रहा है मतलब सामने दिख रहा है लेकिन यहाँ पर वो जो प्रोसेस है कितनी लंबी और कितनी अच्छी है वो एक काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर जानने में और बहुत कुछ हम लोग को सीखने का तो बालकों की तरफ से जो सुविधा मिली वो भी बहुत अच्छी थी कैंटीन और जो यहाँ के जो बालकों के जो हमारे साथ में जो सर लोगों ने सहयोग किया वो भी काफ़ी अच्छा था उनका व्यवहार काफ़ी उन्होंने अपना टाइम निकाल के हम लोग को समझाया हम उनके काफ़ी शुक्रगुजार हैं और कोशिश करेंगे कि हम आगे यहाँ पर से जो सीख के जा रहे हैं फ्यूचर में उसको और भी अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकें बालको जो है जैसे यहाँ पर वर्क है यहाँ डिसिप्लिन है और जितना ऑर्डरली यहाँ पर काम हो रहा है जिस लेवल का जितनी अच्छी तरीके से काम हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे ये काफ़ी अच्छा है कि इसका एक स्थान बन भी रहा है और बनेगा भी आगे और जो इसको चाहिए छूनी है जितना टर्नओवर इनका अभी एक आगे लक्ष्य बनाया हुआ है और ये बहुत ही जल्दी उसको छुएंगे जितने अच्छे से इन लोगों का काम है आई थिंक इट इज़ वेरी गुड अगर मुझको बालको आने का मौका मिलेगा तो मैं कहीं और तो जाऊँगा ही नहीं बालको संयंत्र का अवलोकन करने आया शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर के छात्रों के साथ ही उनके व्याख्याताओं ने भी बालको प्रबंधन द्वारा किए गए सहयोग की काफी प्रशंसा की उन्होंने माना कि इस प्रकार की औद्योगिक कार्यशैलियों का अवलोकन करने का मौका मिलने से छात्रों को न केवल नई चीजें सीखने का करीबी अवसर मिलता है बल्कि संस्थान की छवि को भी जानने का सुअवसर प्राप्त होता है उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि बालको में एल्युमिनियम उत्पादन की विधियां उन्होंने किताबों में पढ़ी थी जिसे आज प्रत्यक्ष देखने का मौका मिला जीएससी में AWS के पद पर कार्यरत हूँ अभी वर्तमान में हम बच्चों को रेगुलर विजिट्स के लिए अलग अलग प्लांट में लेकर जाते हैं जिसमें बालको भी इसी तारतम्य में आज बालको यहाँ पर आए हमने बाकी जगह की फैकल्टीज और बालको की फैकल्टीज में बहुत डिफरेंस देखा यहाँ के लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं यहाँ काफ़ी हार्ड वर्किंग लोग हैं यहाँ का मैनेजिंग सिस्टम बहुत अच्छा है हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमें हर तरह का सपोर्ट मिला और शॉप में इनोवेटिव आइडिया देखने को मिले जिसको कि हमें लगता है कि हमारे विद्यार्थी आगे भविष्य में सीख करके इसको अपने दैनिक दिनचर्या में अडॉप्ट करेंगे और फ्यूचर में इससे कुछ इंस्पायर होकर के ऐसे ही किसी और नेशन में भाग लेने के लिए प्रयासरत रहेंगे यहाँ इनके छात्रों का जो सिलेबस है उसमें इनका एक इंडस्ट्रियल विजिट का भी है ताकि ये इंडस्ट्री और कॉलेज के बीच जो इंटर रिएक्शन है वो इनको समझ में आ जाए अभी तक हम लोग क्लास में सिर्फ इनको थ्योरी पीरियड ही पढ़ाते हैं तो यहाँ आके उनको जो उनने थ्योरी पढ़ा है वो प्रैक्टिकल चीज़ देखने को मिलता है और ताकि इनको जैसे फ्यूचर में जब भी इनकी जॉब लगे तो वहाँ ये इजिली काम कर सकें